टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर गांव में घर घर शौचालय का निर्माण कराया गया और शायद इसीलिए उन्हें इज्जत घर नाम भी दिया गया। लेकिन बुलंदशहर के खुर्जा ब्लॉक के गांव ढाकर में ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। क्या है पूरा मामला, इस खुलासे में देखिए। पीएम मोदी के खुले में शौच मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए सीएम योगी ने भी न सिर्फ हर मुमकिन कदम उठाए बल्कि योजना को धरातल पर लाने के लिए उनकी ओर से अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए कि हर हाल में जल्द से जल्द गांव में ODF किया जाना चाहिए। मगर खुर्जा ब्लॉक के ढाकर गांव में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की मिलीभगत से पीएम और सीएम की ये महत्वाकांक्षी घर घर शौचालय योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यहाँ ग्रामीणों के लिए शौचालयों का विकास तो कराया गया मगर भ्रष्टाचार के मिश्रण से बने ये सरकारी शौचालय मौसम की मार तक नहीं झेल सके, जिससे इन शौचालयों में न सिर्फ बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, बल्कि महज एक साल में ही शौचालय पूरी तरह जर्जर हो गया। इसी वजह से लोगों ने अपने शौचालयों में ज्यादातर कंडे और लकड़ी भर रखे हैं। शौचालय निर्माण में इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि यहाँ योजना के शौचालय कुछ दिन भी नहीं टिक पाए। आलम यह है कि गांव की ही बहुत सी महिलाएं योजना के शौचालय बने होने के बाद भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान ने शौचालय इस शर्त पर बनवाए थे कि उनके खुद के मजदूर अपनी मर्जी का मटेरियल लगाकर गांव में शौचालय बनाएंगे और ग्रामीणों से हर शौचालय बनाने से 2,000 रुपए भी लिए गए। उसके बाद ग्रामीणों को अपनी मर्जी से प्रधान ने मटेरियल दिया, जबकि ग्रामीणों ने दावा किया कि शिकायत के बाद भी आरोपी प्रधान के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस्तेमाल करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं है, इसमें टैंक नहीं है। अच्छा। जैसे उपाय करने मतलब इसे शौचालय करेगा। अच्छा, तो क्या आपको पैसे नहीं मिले थे? नहीं नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं, ये जो भी है यही बनाया जो भी है। ये तो पता नहीं क्यों नहीं दिया, कुछ 750 करीब ईंट भेजी थी और तो थोड़ा बहुत सामान था वो ही, और अपनी अपनी लेबर भेज दी थी। अच्छा, उसके बाद ये खड़ा करवा दिया है। अब इसमें हम सामान यूज में रखते हैं, लेटरिंग तो कर नहीं सकते इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें टैंक नहीं है। हमारे घर दूसरी लेटरिंग बनी हुई है। अच्छा। पापा जी की, उसमें जाते हैं हम। अच्छा। नहीं, काम ये किया जो भी किया आपके सामने। अच्छा। कछुराज ना तो चालू। अच्छा। खाली के पत्थरी नहीं धरी है, थोड़े थोड़े गड्ढे खोद का नहीं है। अच्छा। हाँ, तो हम तो वहाँ जा खेतन में जा कर सब में प्लॉटिंग बन रही है खेतन में, परेशान रहे बहुत बहुत दूर तक जाना पड़े टट्टी कर ना, हमें तो ये पैसा ना दो। क्या मिला था फिर आपको? हमें तो कछु ना दो, फिर धान नहीं गई ईंट और दो दो कट्टा सीमेंट के और ये ईंट ईंट गई दवाई बस कच्ची। किसने बनवाई थी? प्रधान ने। चेक नहीं दिया आपको? नहीं नहीं जी। तो हाँ, कच्चा। अच्छा, नहाना धोना रख बाहर है। कहाँ जाते हैं? बाहर है, जंगल में। हाँ, नहीं है टंका नहीं है। अच्छा, इसीलिए हम नहाना धोना रखते हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में कई ऐसे भी परिवार सामने आए जिनके पात्र होने के बावजूद भी उनके यहाँ शौचालय नहीं बनवाए गए, जबकि इनकी ओर से दावा किया गया कि प्रधान ने सेक्रेटरी से मिली भगत कर गांव में कई अपात्रों के यहाँ भी शौचालय बनवा दिए हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाया कि सभी पात्रों से प्रधान ने 2,000 लिए और अपनी मर्जी से ईंट रेता सीमेंट और अपने ही मिस्त्री से शौचालय बनवा दिया गया, इसी किसी भी पात्र को 12,000 नहीं दिए गए। हमको देखो माल पैसा तो दे ना, हमको तो माल दे। क्या क्या माल दिया? 2,000 ईंट दे और सीमेंट के कट्टा दे। कितने? 3 दी है जन 4। अच्छा। और बजरपुर दो और रेत दो। अच्छा। हाँ, तो प्रधान ने दिए थे? हाँ, प्रधान ने दिए। कौन प्रधान है आपके? राजू। अच्छा। 2,000 रुपए लाए। अच्छा, किस बात के? नौकरी के, वो सरकार को जाएंगे पैसा। अच्छा, 12,000 का चेक नहीं दिया आपको? ना, नौकरी पैसा ना, तुमको माल देंगे हम। पैसे नहीं मिले, सामान मिला था हमें। क्या क्या सामान मिला था? 700 ईंट मिली थी बस। अच्छा। 2 कट्टा सीमेंट के मिले थे बस। अब ये बताओ, भैंसन को राशन पानी भर रहो, कुछ ना आया हमें। क्या करें, वैसे जब खाना ना बनाता बदबू तो आएगी आएगी, तो ये सब ऐसे हम लेटरिन करते ना, वैसे गमला सा बना गए, ऐसे पेड़ पौधा लगा में। अच्छा। सुखता बारे हो, कहा बना गई?
रुपए दिए हमें ना मिला जी एक रुपया भी। कह तो रहे हैं सामान दिया था प्रधान ने, इसमें तो 12,000 रुपए लिख गया है वो। तो लिख गया होगा तो लिखने तो का मतलब है जब सामान आया वही तो कहेंगे कि हाँ जी सामान ना बना के मिस्त्री वही गए थे उन्हीं की तरफ से ही सरकार अच्छा। की तरफ से ही सामान दिया गया नहीं पैसा एक नहीं एक भी नहीं आया। वहीं इस पूरे मामले पर बुलंदशहर के DPRO ने दावा किया कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, संबंधित अधिकारियों को गांव भेजकर मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखने में मिला है कि कुछ ODF योजना में अनियमितताएं मिली, बहुत सारी शिकायतें आपके पास शायद नहीं आई हैं, हमारे पास आई हैं, क्या इसमें कार्रवाई की जाएगी? देखिए हमारे पास अभी शिकायत नहीं आई है और ये जानकारी आपके माध्यम से हो रही है तो इसको हम सत्यापन करवाएंगे, जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी और जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला संज्ञान में आने के बाद DPRO साहब जांच कराने का दम जरूर भर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि आखिर अब तक इन शौचालयों की जांच क्यों नहीं कराई गई? खैर अब देखने वाली बात ये होगी कि DPRO साहब की जांच कब तक खत्म हो पाती है और उस जांच में क्या सामने आता है। इस खुलासे में सामने आया जो ग्रामीणों का आरोप है, उनका कहना है कि जो प्रधान है उन्होंने शौचालय बनाने के नाम पर उनसे 2,000 रुपए की अवैध वसूली भी की है। इसके अलावा जो अपात्र हैं शौचालय के लिए उनके घर शौचालय बना दिए गए और जो पात्र हैं उन्हें शौचालय के लिए चिन्हित नहीं किया गया। इसके अलावा जो बाकी शौचालय बनाए गए हैं उनमें भी खराब मटेरियल लगाने का आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाया गया है। हालांकि इस मामले में DPRO से बात करने पर उनका कहना है कि मामला मीडिया के द्वारा उनके संज्ञान में आया है और इस मामले की जाँच कराई जाएगी। जाँच में जो भी कानून जो भी आरोपी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात DPRO बुलंदशहर ने की है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में अधिकारी किस तरह संज्ञान लेते हैं और किसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन दानिश गफ्फार और सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।